afternoon, sir. Realme नजर। हेलो, कभी ओके। कार्तिक मुस्कान, प्रियांश सना, शिव राठौर, शिवम सेतु। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटे। हाँ, वेट करते हैं 1 मिनट 2 मिनट, स्टूडेंट्स आ जाते हैं तब तक मैं सर एक बार वो प्रैक्टिकल का बता दो। वो तो क्या मतलब बताना बहुत है ज्यादा प्रैक्टिकल कठिन का? है। कैसे करना है? प्रैक्टिकल कैसे करना है? थ्योरी यस सर, क्या क्या लिखना है, क्या क्या मेंशन? लिखना है आपने, ठीक है। एपरेटस में आपने लिखना है सीआरओ, फंक्शन जनरेटर और सीआरओ प्रोब एंड कनेक्टिंग। बस सीआरओ प्रोब हो जाएगी। और उसके बाद आपने थ्योरी लिखना है। थ्योरी में जैसा मैंने आपको बताया है सीआरओ क्या होता है, उसके कंट्रोल क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसीजर तो कुछ है नहीं क्योंकि ऑनलाइन हमारा एक्सपेरिमेंट है। प्रोसीजर तो वो होता है कि भाई कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो किए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपने पॉइंट्स लिखने हैं कि पहले फंक्शन जनरेटर को ऑन करेंगे, उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे, सॉरी पहले सिग्नल को सेट करेंगे, एसी लेना है या हमने अल्टरनेटिंग सिग्नल लेना है, या हमने सॉटूथ सिग्नल लेना है, या हमने ट्रिगरिंग सिग्नल लेना है, या पल्सेटिंग सिग्नल लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जो कनेक्टिंग प्रोब होगी वो फंक्शन जनरेटर के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम सीआरओ का फंक्शन देखेंगे कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी प्रोब को ग्राउंड करके हम कनेक्ट करके देखेंगे जो सीआरओ प्रोब पर आपकी लाइन्स आएंगी। उसके बाद वो जो है इसका मतलब वो फंक्शन सही कर रहा है। उसके बाद हम एसी सिग्नल जब देंगे तो एसी का जो एम्पलीट्यूड होगा वाई एक्सिस पे हम उसके एम्पलीट्यूड को देखेंगे, और जो उसका टाइम डिवीजन होगा वो ब्लॉक जो काउंट है वो करके देख लेंगे। एक ब्लॉक 1 वोल्ट का होता है, उधर आपका एक्स वाई एक्सिस पे जाएंगे तो 2 वोल्ट का होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बॉक्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आउटपुट आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये है आपका बस। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, वी हैव सक्सेसफुली स्टडीड द सीआरओ ऑपरेशन एंड फंक्शन जनरेटर। बस बात खत्म, हो गया प्रैक्टिकल। इसमें क्या मुश्किल है? उधर पेंसिल वर्क में आपका आ जाएगा सीआरटी, जो मेन हार्ट ऑफ सीआरओ है वो सीआरटी का डायग्राम आएगा, ठीक है। उसके सारे जितने भी फंक्शन है सबके नाम आएंगे। अगर सीआरटी के बारे में लिखना है तो लिख देना, नहीं तो डायग्राम आपको टिप्स पर हो जाना चाहिए कि सीआरटी में क्या क्या आता है, क्योंकि तो प्रैक्टिकल जब होगा तो आपसे पूछा जाएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रैक्टिकल? हेलो, नो सर। ओके, 24 स्टूडेंट्स। विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब जब कल हमने टॉपिक किया था लोड लाइन वाला और क्यू पॉइंट का, ठीक है, तो टाइम हो गया था, हम ज्यादा कर नहीं पाए थे। तो लोड लाइन और क्यू पॉइंट, तो लोड लाइन जो है ना वो डिफाइन करती है किसी भी ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगी, ठीक है, उस पर उसका आईसी क्या आ रहा है, कलेक्टर करंट क्या है, और उसका वीसी क्या आ रहा है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज क्या है, ठीक है, वो क्या है। उसके बाद जो पॉइंट हमारे आएंगे ना उन पॉइंट को हम सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो हमारी लोड लाइन हो गई। तो द डिफरेंस इन हर्षित गुप्ता, द डिफरेंस इन एसी लोड लाइन एंड डीसी लोड लाइन कि दोनों जो है आपका सेम क्यू पॉइंट, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ना वो सेम होगा। हाँ, वेरी कर सकता है आपका आपका आईसी वेरी कर सकता है, वीसीई वेरी कर सकता है, ठीक है। तो वो इंक्रीज डिक्रीज होगा किसके अकॉर्डिंग, जो आपका जो न्यूमेरिकल होगा, जिस वैल्यू का आपका रेजिस्टेंस, जिस वैल्यू का आपका ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं, फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करते हैं कि लोड लाइन किस तरीके से हम दिखाते हैं।
लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट। ओके, तो हम लोड लाइन जब हमारी होगी, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा। एक्टिव रीजन के लिए क्या होता है, एक्टिव रीजन में हमेशा ही हमेशा आपका जो ट्रांजिस्टर होगा उसका जो एमिटर साइड का जो टर्मिनल होगा वीईबी हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, और वीसीबी जो होगा कलेक्टर बेस टर्मिनल वोल्टेज जो होगी वो हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होगा, आपने पढ़ रखा है डायोड में, ट्रांजिस्टर की वर्किंग में भी मैंने आपको बताया था। जब आप, मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को शेयर करना चाहूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका तो ये होगा एंड, मैं एनपीएन के बारे में बात कर रहा हूं, ये होगा पी और फिर ये हो जाएगा एन। ठीक है, एनपीएन टर्मिनल हो गए तीन और ये हो गया जी, इसको बोल देंगे एमिटर, इसको बोल देंगे कलेक्टर और इसको बोल देंगे बेस। विजिबल है सबको? यस सर। ओके, ठीक है, ये एनपीएन है। अब क्या होता है जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो ओ, ओ, यस, जब हम वर्किंग की बात करते हैं ना तो ये जो हमारा होता है इसको एक्टिव रीजन के अकॉर्डिंग हम रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस में करेंगे। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, सॉरी नेगेटिव को नेगेटिव दे दो और पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कनेक्शन हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल देंगे फॉरवर्ड बायस। ओके, रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एन है ना तो इसको पॉजिटिव दे दो, ठीक है, ये करते हैं हम जब भी ट्रांजिस्टर यूज करेंगे ना, तो ये होता है एक्टिव रीजन आपका रिवर्स बायस। ठीक है, पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कनेक्ट करोगे, रिवर्स सॉरी उसके कनेक्शन उल्टे कर दोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, उसके कनेक्शन उसके जो मटेरियल जिस तरीके का आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही यूज करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आपने यहाँ पर लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया पी टाइप मटेरियल पे। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इधर देखो ये नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया और पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दिया तो ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है ना पूरा, इसको हम फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस और एक्टिव रीजन, ट्रांजिस्टर जो काम करता है ना वो एक्टिव रीजन में काम करता है। तीन टाइप के आपके रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। ठीक है, और चौथा होता है आपका इन्वर्टेड रीजन, जो दोनों आपके रिवर्स बायस हो जाते हैं तो इन्वर्टेड रीजन। इन्वर्टेड रीजन हम क्या करते हैं, एबर्स मोल मॉडल है आपका लास्ट टॉपिक, उसके लिए यूज किया जाता है आपका, पढ़ाऊंगा किस तरीके से करते हैं। ओके, जब क्या है यहाँ पर, जो देखो मेजोरिटी चार्ज, मेजोरिटी कैरियर्स जो है वो आएंगे यहाँ से आपके इधर से। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये पी टाइप मेटेरियल है ना, इसको लाइटली डोप किया जाता है, ये हैवीली डोप नहीं होता, ये लाइटली डोप्ड होता है। तो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पर पॉजिटिव टाइप है तो आपके जो माइनॉरिटी कैरियर से, सॉरी मेजोरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर आपके होल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर होल्स प्रेजेंट रहेंगे तो 1 to 2, 1 to 5% जो होता है ना, 1 to 3% लगा लो आप, 3% जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर रिकम्बिनेशन कर जाएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक चले जाएंगे क्योंकि लाइटली डोप्ड है, इतना ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग करते हैं और ये एक्टिव रीजन में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम लोड लाइन के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, और सीई कॉन्फ़िगरेशन में होगा साहब। ठीक है, सीई कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिव रीजन,
एडमिट ऑल कालमोदित ऋषि मेहरा ऋषि मिश्रा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है जी, एक्टिव रीजन इज द बेस्ट रीजन एंड वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। जब भी हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के उसमें यूज करेंगे तो हम एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे, और एक्टिव रीजन हमारे हाथ में है यूज करना। हम जो सप्लाई है वो इस तरीके से देंगे कि हमारा जो एमिटर साइड वाला जो जंक्शन है वो क्या हो जाए, हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाए, और जो हमारा कलेक्टर साइड वाला जो रीजन है वो हमारा रिवर्स बायस हो जाए। तो एक्टिव रीजन में हो जाएगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अब क्या करते हैं, जब हम सीई कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे और उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगी ना वो ये आएगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सीई कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। हेलो, यस सर, बीच में कोई बोल रहा है, व्हाट इज दिस? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब लोड लाइन के लिए, व्हेन ए वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर करंट इज कंसीडर्ड, द पॉइंट विल बी प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। दैट मींस इस पर एक पॉसिबल कलेक्टर करंट की वैल्यू आएगी, वो वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर आ सकती है। वो वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट वैल्यू क्या ही है। ठीक है, वो मिली एम्पियर में आपकी आएगी। ठीक है, उसको मैंने ए बोल दिया और मैंने उसे एक लाइन लगा दी। ठीक है, उसके बाद बोलता है व्हेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है, VCE, एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी, वो कहीं भी आ सकती है आपकी, यहाँ पे वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो वो डॉट, मैं एक डॉट यहाँ पर लगा दूंगा, इसको ए बोल दूंगा, इसको बी बोल दूंगा, और ये लाइन मैं यहाँ पर लगा दूंगा। अब जहां जहां ये लाइन स्ट्राइक करेगी तो वो क्यू पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो बेस करंट उसने बोल दिया IB3 पे, क्यू पॉइंट क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर जब बेस वैल्यू की जो बेस वैल्यू होगी वो थर्ड उसमें आएगी। ठीक है, उसकी यूनिट जो होगी, मतलब बड़ा इंक्रीज करके 1 to 2 किया, 2 to 3 किया, जब इंक्रीज करेंगे बेस वैल्यू को, तो उसने बोला कि जब आपकी थर्ड रीजन में इंक्रीज हो जाएगी बेस वैल्यू तो आपका क्यू पॉइंट क्या होगा, वो क्यू पॉइंट ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी कॉल्ड द लोड लाइन, ओके, दिस कॉल्ड द लोड लाइन। और अब ये डीसी लोड लाइन के बारे में बात करो, अगर एसी के बारे में बात करेंगे ना तो एसी में क्या होगा, ये क्यू पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होता। डीसी लोड लाइन एसी लोड लाइन आपका सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, ये पॉइंट वेरी कर जाता है। अगर ये पॉइंट यहाँ से ऊपर हो गया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट नीचे हो गया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, बस इतना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं और किस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, अब ये दोनों जो पॉइंट है ना, एज्यूम ओनली जीरो सिग्नल कंडीशन। जीरो सिग्नल कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे, और कैसे करेंगे वो न्यूमेरिकल में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको सोल्व करते हो। ओके, द लाइन व्हेन ड्रॉन ओवर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मेक्स ए कॉन्टेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। ओके, अब देखो ये मैंने आपको बता दिया है, रिमेंबर इन एम्पलीफिकेशन पर्पज वी यूज सीई कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्टिव रीजन, ये हो गया है हमारा। ओके, अब इस तरीके का हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा जिसकी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, और उसको एक्टिव रीजन में रखेंगे। देखो जी, कनेक्शन कर दिए। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद इंक्रीज डीसी। ओके, इन केस ऑफ डीसी, अगर मैं यहाँ पे डीसी लोड लाइन बनाऊंगा ना तो क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को जीरो रखूंगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैं एसी लोड लाइन बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू को जीरो रखूंगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज वीसीसी हो गया, यहां से मैं आउटपुट लूंगा, यहां से मैं इनपुट दूंगा। एम्पलीफायर इसी को बोलते हैं, एक जगह से आउटपुट देना और उसकी जो इनपुट जो आपने दी है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़कर आपको आउटपुट मिलती है एम्पलीफाई होके, तो उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाता हूँ, केवीएल इक्वेशन लगाता हूँ, वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप, एंड दिस वन वोल्टेज, और दिस विल बी द करंट, VCC इज इक्वल टू IC RC बिकॉज ऑफ द वोल्टेज करंट। ये RC होगा, ये IC होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पे, प्लस VCE दिस वोल्टेज। ओके, एज्यूम जीरो सिग्नल कंडीशन फॉर डीसी लोड लाइन, VCE को जीरो कर दो। वीसी को जीरो करने के बाद इस इक्वेशन में डालेंगे, वीसी को जीरो करने के बाद इस इक्वेशन में डाला तो आईसी की वैल्यू आ जाएगी जी वीसीसी अपॉन में आरसी, और ये हम यहाँ पर रख देंगे।
यहाँ पर रख देंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ना इसको सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे हमेशा हम। जो लोड लाइन आएगी ना दो पॉइंट के बीच में आएगी, सेचुरेशन पॉइंट एंड कट ऑफ पॉइंट, ओके। तो ये सेचुरेशन पॉइंट होगा वीसीसी अपॉन आरसी। अब आईसी इज इक्वल टू जीरो, सिग्नल जीरो सिग्नल कंडीशन करो, क्योंकि दो के बीच में निकालना है तो आईसी और वीसीई, तो वीसीसी इज इक्वल टू वीसीसी हो जाएगा। इस इक्वेशन में डालो आईसी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो है तो ये भी जीरो है, तो वीसीसी इज इक्वल टू वीसीई, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा जी यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे कट ऑफ रीजन, कट ऑफ पॉइंट सॉरी, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट और आपका सेचुरेशन पॉइंट दोनों को ऐड कर दो, और जहां पर ये किसी भी इस पर यहाँ पर टच कर रहा है तो ये को, इसका क्यू पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर टच कर रहा है इसका क्यू पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर टच कर रहा है इसका क्यू पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर टच कर रहा है इसका क्यू पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ओके। इन केस ऑफ लोड लाइन विल बी वेरी विद आइदर डीसी और एसी सिग्नल बट क्यू पॉइंट विल बी द सेम, ओके। लोड लाइन में क्या है, ये जो पॉइंट है ये वेरी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। बट आपका जो ये पाथ है ये यहां पर रहेगा, क्यू पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन वन, ड्रॉ द लोड लाइन फॉर द फॉलोइंग, व्हाट इज आईसी एट सेचुरेशन पॉइंट, मीन्स ये जो इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा आपका सेचुरेशन पॉइंट है। तो अगर वो ये सीधा ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेचुरेशन पॉइंट, तो इसका मतलब वो आईसी पूछ रहा है कि आईसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर उसने बोला व्हाट इज आईसी एट सेचुरेशन पॉइंट, फाइंड वीसी एट कट ऑफ पॉइंट। अगर कट ऑफ पॉइंट सीधा पूछता है तो कट ऑफ पॉइंट यहाँ होगा, ओके। आगे चलते हैं जी, ये आपको डायग्राम दे दिया, यहाँ पर देखो एमीटर को कॉमन कर दिया इसने, जहां भी करंट का, यहाँ पर आपका करंट का इनकमिंग और आउटगोइंग साइन होगा, कलेक्टर पे आपका एक ब्रांच पे होगा, और यहाँ पर आपका स्टिल्टिंग ब्रांच पे होगा। ये आर ए आपको दिया हुआ 1 मेगा ओम, आर सी आपको दिया 3.3 किलो ओम, आई सी है 20 वोल्ट, वी सी सी आपको दिया है, वी सी ई क्या होगा एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज ये होगा, 10 वोल्ट आपको वी बी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अप्लाई केवीएल एट आउटपुट साइड, इस साइड पे केवीएल लगाएंगे, ठीक है। ये किया यहाँ पे, ये किया यहाँ पे, और इधर केवीएल लगा दिया, ठीक है। वी सी इधर आ जाएगा, ठीक है, एडमिट। तो वीसीसी इज इक्वल टू आईसी आरसी, आईसी कौन सा है ये, आरसी कौन सा है कलेक्टर करंट, उसको कलेक्टर रेजिस्टेंस ये वाला, ठीक है, प्लस वीसीई, ये वीसी, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, तो ये आपका वीसीसी आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, जीरो सिग्नल कंडीशन को यूज करके वीसीई इज इक्वल टू जीरो, वीसी को जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो आईसी की वैल्यू आ जाएगी वीसीसी अपॉन में आरसी। वीसीसी क्या है आपका 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आरसी क्या है 3.3, ये किया, किलो ओम का मतलब क्या है 10^-, किलो ओम का मतलब क्या है 10^-, हेलो इसको सोल्व करेंगे, यस इसको सोल्व करेंगे 20/3.3 किलो ओम, सोल्व करने के बाद इज इक्वल टू 6 mA आपका आ जाएगा। तो ये सेचुरेशन पॉइंट आ गया आपका, सेचुरेशन पॉइंट कहाँ पर ड्रॉ होगा, यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। मैं ड्रॉ करके बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये रहा जी, ये बनाना है इधर आपने वाई एक्सिस, इधर आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करना है 2, 4, 6, ठीक है, ये आ जाएगा इधर। ये 20 वोल्ट तक आपकी मैक्सिमम वोल्टेज 20 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इधर 6 mA आपका आ गया कट ऑफ रीजन। अब आपने क्या करना है, वीसी निकालना है, तो वीसी निकालने के लिए क्या करोगे, आईसी को जीरो, जीरो सिग्नल कंडीशन में, या एक बार आईसी को जीरो करते हैं, एक वीसी को जीरो करते हैं। आईसी को जीरो किया आपने, वीसीसी इक्वल टू आईसी को जीरो किया, इस इक्वेशन में जिस इक्वेशन आईसी आईसी को जीरो किया, तो ऑब्वियसली ये भी जीरो हो जाएगा प्लस। तो वीसीसी इक्वल टू वीसी, तो वीसीसी VCE क्या है 20 वोल्ट, VCC 20 वोल्ट हो जाएगा, ये कट ऑफ पॉइंट आ जाएगा 20, यहाँ पर आ गया, ये कोऑर्डिनेट हो गए 60 60 और 020, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका लोड लाइन, ओके। अब Q पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। 37, जस्ट अ मिनट, नितिन कुमार सॉरी,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर बीसीसी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, आरएल इज इक्वल टू 8 किलो ओम, ड्रॉ द डीसी लोड लाइन, डिटरमाइन द क्यू पॉइंट फॉर जीरो सिग्नल कंडीशन इफ बेस करंट इज 15 मिली माइक्रो एम्पियर एंड बीटा इज इक्वल टू 40. ओके तो ये आपको फिगर दिया होगा, ठीक है, तो ये आपको बेस रेजिस्टेंस दिया होगा, एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, एमीटर को कॉमन कर देना है. ओके आईसी हो गया, ये आरएल दिया हुआ, उसने आरसी नहीं बोला है, तो आरएल लेकर चलोगे, जो दिया हुआ वही लेकर चलोगे, ये बीसीसी दिया हुआ है. सो अप्लाई केवीएल, इस साइड अप्लाई, पहले केवीएल को अप्लाई करोगे. अगर आपका लोड लाइन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आपका क्या होगा, उस पर केवीएल अप्लाई करोगे, जिस पर आउटपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे केवीएल अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में आप क्या करोगे, जीरो सिग्नल कंडीशन पुटअप करोगे. जीरो सिग्नल कंडीशन में क्या होगा, वीसी इज इक्वल टू जीरो पहले पॉइंट में, और फिर उसके बाद आपने आईसी निकाल देना है, कलेक्टर करंट, जिससे आपका वाई एक्सिस पर एक पॉइंट आ जाएगा जिसको आप सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, और वो सेचुरेशन पॉइंट क्या होगा, वो सेचुरेशन पॉइंट आपको पहला पॉइंट देगा जिस पॉइंट को आप ए डिनोट कर सकते हो, बी कर सकते हो, सी कर सकते हो, डॉट कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, स्टार कर सकते हो, आप कुछ भी उसको डिनोट कर दीजिए, ठीक है. तो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा सेचुरेशन पॉइंट, फिर आप दूसरी सिग्नल कंडीशन पुट करोगे आईसी की वैल्यू मिल गई. अब आईसी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वीसी इज इक्वल टू वीसीसी आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको कट ऑफ पॉइंट मिल जाएगा एक वीसी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे लोड लाइन मिल जाएगी. अब मेन क्या है, मैटर क्या है, मैटर यह है कि क्यू पॉइंट किस तरीके से आपका आता है, ठीक है. तो पहले केवीएल अप्लाई किया आउटपुट साइड पे, वीसीसी इज इक्वल टू आईसी आरएल प्लस वीसीई, यही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वीसीसी क्या है, वीसीसी क्या है, गिवन है 10 है, ठीक है, 10 की वैल्यू लिख दी, ये देखो न्यूमेरिकल में 10 दिया हुआ है, वीसीसी 10 कर दिया. आईसी की वैल्यू गिवन नहीं है, आईसी सेम, आरएल की वैल्यू गिवन है, यहाँ आरसी है, आरएल लिख सकते हो क्योंकि आरएल दिया हुआ उसने यहाँ पे, ठीक है, इसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो, ठीक है, वो दिया हुआ 8 किलो ओम, प्लस वीसी की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, वीसी वैल्यू लिख दी, ठीक है. अब दो पॉइंट आपको लेने हैं लोड लाइन बनाने के लिए, सैचुरेशन पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट. पहले सैचुरेशन पॉइंट निकाल दो, वीसी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इसी इक्वेशन में वीसी को जीरो पुट किया तो आईसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/8 इंटू 10^-3 बिकॉज ऑफ किलो ओम, ओके, इज इक्वल टू 1.25 मिली एम्पियर. इज दैट क्लियर? ओके, बनाओगे वाई एक्सिस पे पॉइंट लिखोगे, 1.25 यहां पर डाल दोगे, ये पॉइंट आ गया आपका कट ऑफ पॉइंट, सॉरी सैचुरेशन पॉइंट पहला. ओके उसके बाद कट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए जीरो सिग्नल कंडीशन आईसी इज इक्वल टू जीरो पुटअप करोगे, तो आईसी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुटअप किया तो दिस इज ऑब्वियसली जीरो, प्लस वीसीई, वीसीसी इज इक्वल टू वीसीई आ जाएगा, तो वीसीसी क्या है 10 है, वीसीई क्या आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ग्राफ पुटअप करोगे एक्स एक्सिस पे 10 वोल्ट आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, ये आपकी लोड लाइन बन जाएगी जी, ठीक है. अब कंडीशन क्या है, कंडीशन में उसने ये बोला है कि इफ द बेस करंट ऑफ, बेस करंट इज 15 माइक्रो एम्पियर एंड बीटा इज इक्वल टू 40, सो फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी. ओके तो बीटा क्या है 40, आईबी क्या है इंटू 15 इंटू बीटा, ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या है 15 इंटू 10^-6 इज इक्वल टू 0.6 मिली एम्पियर. अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो जी आईसी की वैल्यू को, आईसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 में आईसी की वैल्यू को डाल दो, इसकी वैल्यू को यहां डाल दो, आपको क्या चाहिए, वीसीई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और आईसी की वैल्यू आपके पास आई गई 0.6. अब क्या वैल्यू चाहिए आपको, इस एक्स एक्सिस पे चाहिए वैल्यू वीसीई की, तो आपने क्या किया, यहां पर वीसी को रखो, इसको बाकी को इधर ले जाओ, ठीक है, तो 10 माइनस इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हो कि कितनी वैल्यू आई है इसकी, 0.6 इंटू 10^3 मिली है, मिली एम्पियर है ना, और इंटू 8 इंटू किलो है 10 माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा. ओके कैंसल आउट होने के बाद इसको सोल्व करोगे तो 5.2 वोल्ट, इधर आप 5.2 लिख दोगे, इधर आईसी आपका आ गया 0.6 कर दोगे, दोनों को मिला दोगे, जहां पर स्ट्राइक करेगा वो क्यू पॉइंट हो जाएगा जी आपका, ठीक है. ये है आपका, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके आते हैं. ओके अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीकेज करंट इन बीजेटी. अब लीकेज करंट क्या होता है, टोटल करंट देखो, टोटल करंट होता है आपका माइनॉरिटी कैरियर्स प्लस में मेजॉरिटी कैरियर्स, दोनों को ऐड कर दो वो टोटल करंट हो जाएगा. बट ये माइनॉरिटी क्या होता है,
माइनॉरिटी का मतलब होता है लीकेज करंट, जिस करंट की हमें जरूरत नहीं होती है वो करंट बाहर जाता है, ठीक है। अगर उसको हम यूज कर ले तो ट्रांजिस्टर जो है आपका आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और मेजोरिटी जो होता है वो नॉर्मल करंट होता है। तो माइनॉरिटी जो आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स आपके कलेक्टर करंट से होते हैं, हम क्या करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसमें यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कलेक्टर करंट कितनी वैल्यू का आ रहा है, ठीक है। इजिली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है कॉमन बेस में। आप कॉमन एमिटर में भी कर सकते हो, कॉमन कलेक्टर में भी कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन आप किसी में भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको कॉमन बेस में बताया। तो कॉमन बेस में जो एड अपेंडिक्स, ओके, ठीक है। सो द करंट इज टेम्परेचर सेंसिटिव, जो लीकेज करंट होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा लीकेज करंट भी आपका सेंस करेगा उसको। सो रिप्रेजेंटेशन कॉमन बेस को कॉमन किया आपने, इस रीजन को फॉरवर्ड, इसको रिवर्स, ठीक है। अब आईसी जो है वो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया है, ठीक है। सो करंट प्रोड्यूस बाय नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन दैट इज करंट डिपेंडिंग अपॉन एमिटर करंट अल्फा आईई, ओके। एक तो अल्फा आईई पर ये डिपेंड करेगा, अल्फा क्या है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका गेन आ रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द लीकेज करंट फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑफ आईसी। एक तो इसकी डायरेक्शन में और एक अल्फा आईई, ठीक है जी, ये दो करंट के कॉम्बिनेशन है। सो इन सीबी इज इक्वल टू आईसी इज इक्वल टू अल्फा आईई। अब देखो, जब आपका एमिटर रीजन फॉरवर्ड होगा, कलेक्टर रीजन रिवर्स होगा तो एक्टिव हो जाएगा, दोनों रीजन फॉरवर्ड होंगे तो सैचुरेशन रीजन में काम कर जाएगा, दोनों आपके रीजन रिवर्स में हो जाएंगे तो कट ऑफ हो जाएगा, और एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड हो जाएगा लास्ट वाला, तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। टोटल कलेक्टर करंट, एक तो ये करंट है, दूसरा करंट कौन सा होगा, जब हम यहाँ पर बेस एमिटर को ओपन कर देंगे एमिटर साइड को, और वहां पर बेस करंट कितना आ रहा है वो देखें, कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन ICBO, ठीक है जी। तो ये आपका होता है लीकेज करंट इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब नेक्स्ट है आपका एबर स्मॉल मॉडल। हम मॉडलिंग क्यों करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। जब गवर्नमेंट जो है कोई भी सिटी का प्लान करती है या कोई भी सेक्टर का प्लान करती है, तो वो क्या करती है, पहले वहां पर उसका पूरा एक ब्लॉक बनाया जाएगा, किस ब्लॉक में क्या होना चाहिए, और फिर उसका इंटरकनेक्शन देखा जाए कि कहाँ से इंटरकनेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसका इंटरकनेक्शन देखते हैं। डिवाइस मॉडलिंग एम्स द रिलेटिंग फिजिकल डिवाइस पैरामीटर्स डिवाइस टर्मिनल करेक्टरिस्टिक्स, ओके। उसकी जो फिजिकल डिवाइस जैसी हमें वो दिख रही है और उसके जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, उन दोनों को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। किसी भी डिवाइस की मॉडलिंग जो होती है वो इसी तरीके से डिफाइन की जाती है। सो डिवाइस मॉडलिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, मींस जो आईसी आप यूज करते हो सर्किट में, उनके लिए आपकी डिवाइस मॉडलिंग यूज की जाती है। सिंस सिंपल टू एक्यूरेट डिवाइस मॉडल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्किट, कि आप जो है उस सर्किट के बारे में जो है अपनी प्रिडिक्शन दे सको कि किस तरीके से यह सर्किट काम करना चाहेगा या किस तरीके से काम करेगा अगर मैं इस तरीके का सिग्नल इसको दूंगा, ठीक है। वो मॉडलिंग पर डिपेंड करता है, अगर प्रॉपर मॉडलिंग नहीं होगी तो आप यू कांट से व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके ओके। एबर स्मॉल मॉडल इज ए ट्रांजिस्टर मॉडल विच डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेट्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसका मेरे को आंसर देना, वो आपको एक्सटर्नल में पूछा जाएगा। दिस मॉडल इज यूजफुल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डीसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। दिस मॉडल जनरलाइज द बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्वर्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इन्वर्टेड में क्या था, पहला रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हमारे पास दो डायोड होंगे, बैक टू बैक उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का मतलब हमारा जो है उसमें हम लीकेज करंट को नहीं ले रहे हैं। आइडियल डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक विद द रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है,
रिवर्स सैचुरेशन करंट मीन्स नेगेटिव आईईओ एंड नेगेटिव आईसीओ एंड टू डिपेंडेंट करंट सोर्सेज. डिपेंडेंट करंट सोर्सेज मीन्स वो किसी वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है. तो एक डिपेंडेंट करंट सोर्सेज ये हो जाएगा, एक डिपेंडेंट करंट सोर्सेज ये हो जाएगा, ठीक है जी. करंट सोर्सेज शिफ्टिंग टू आइडियल डायोड्स, ओके. तो इस तरीके से हम उसको कनेक्शन करेंगे. अच्छा सर, ये करते क्यों है? व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एबर्स मोल मॉडलिंग? एक है हमारा एप्लीकेशन बस. हम क्यों करते हैं? जब हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं है ना, तो हम ये कर सकते हैं. अगर हमारे पास डायोड है, ट्रांजिस्टर नहीं है, तो ये मॉडल अप्लाई करके हम सेम करेक्टरिस्टिक्स आपकी आती है उसी ट्रांजिस्टर से, ठीक है, और सेम ट्रांजिस्टर सेम आपकी एबर्स मोल मॉडल से करेक्टरिस्टिक्स आपकी आएगी. मैथमेटिकल प्रूफ है इस बात का. अभी देखते हैं. देखो इसको, इस ये जो कनेक्शन है ना, इसको बोलेंगे आप एमिटर वोल्टेज. ये मीटर रीजन हो जाएगा, ये कलेक्टर रीजन हो जाएगा. इसका जो कनेक्शन हो गया है उसको कनेक्ट करेंगे, ये बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा, ये एमिटर हो जाएगा, ठीक है जी. अब प्रूफ देखते हैं इसका क्या है. सो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, जो कलेक्टर करंट की जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होती है, वो होती है डायोड को लेके जब हम लेकर चलते हैं. डायोड की क्या होती है? एक्सपोनेंशियल जाता है वीसी बाई वीटी. आईसी इज इक्वल टू अल्फा आईई प्लस आईसीओ इंटू वन माइनस ई रेस्ट टू पावर वीसी बाई वीटी. अब रिवर्स द साइन, क्यों? क्योंकि हमने इन्वर्टेड मोड में लेकर आना है, तो साइन को रिवर्स करेंगे. पहले फॉरवर्ड और रिवर्स था ना ये, अब रिवर्स और फॉरवर्ड हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे. साइन चेंज किया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर वन प्लस ये हो जाएगा. अब जो ब्रैकेट है उसके बाहर आपका नेगेटिव साइन है, तो अंदर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट आपके ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो ई रेस्ट टू पावर वीसी बाई वीटी माइनस वन, ठीक है. अब ये n, n क्यों यूज किया है? नॉर्मल ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर नॉर्मल ऑपरेशन में वर्क करेगा, ओके जी. अब जो नोड सी है ना, ये आ गई नोड सी, यहाँ पर KCL लगा दो जी. जब KCL यहाँ पर लगाएंगे तो इक्वेशन आएगी जी, ये IC is equal to minus alpha n IE plus I, ये आएगा जी, ठीक है. ये I क्या है? ये डायोड करंट है. जो डायोड करंट है उसको मैंने I बोल दिया है, ठीक है जी. अब I डायोड की जो इक्वेशन होती है उसमें I क्या होता है? I is equal to I naught into e raise to power VC minus VC upon में VT minus 1, ओके. अब I naught, I naught क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट है. अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, I की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, ठीक है जी. वैल्यू को पुट करने के बाद और हमने एज्यूम क्या किया? रिवर्स सैचुरेशन करंट ये एज्यूम किया, तो I naught की जगह ये पुट कर दो. I naught की जगह हमने ये पुट किया, पुट किया, वैल्यू को लिख दिया. दोनों वैल्यू सेम है साहब, ये वैल्यू वन इक्वेशन और ये वैल्यू. देखो रिवर्स जब हमने साइन किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है. तो इसका मतलब क्या है? आप एबर्स मोल मॉडल से भी आपकी सेम करंट, आपकी कलेक्टर करंट आ रही है, और ट्रांजिस्टर से भी आपकी सेम कलेक्टर करंट आएगी, ठीक है जी. Which is nothing but general expression for collector current in transistor in equation number 1. Same है बिल्कुल. ये तो हमने generalized equation थी जो collector current की थी वो, और ये जो है हमने जो mathematical proof किया है वो, okay जी. Operation of transistor, ये तो हमारा हो गया है, okay. नाउ एच पैरामीटर, हाइब्रिड मॉडल. एच पैरामीटर क्या होता है? देखो जब टू पोर्ट नेटवर्क हम सोल्व करते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है ना, वो कोई भी नेटवर्क हो सकता है. उस बॉक्स के अंदर कोई भी नेटवर्क हो सकता है, आर सी हो सकता है, आर एल हो सकता है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, ठीक है. बट सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि हम जो है ना दो वोल्टेज और दो करंट लेकर चलते हैं जब हमारा टू पोर्ट नेटवर्क आपका सोल्व होता है, ठीक है. टू पोर्ट नेटवर्क की जो दो इनपुट होती है, दो आउटपुट होती है, ओके जी. अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये होगा, देखो इधर जो आपका इनपुट वोल्टेज हो जाएगा उसको वी वन बोल दिया, तो करंट भी आपका आई वन हो जाएगा. ये इनपुट साइड हो गया, आउटपुट साइड हो गया, इधर आपका आई टू हो जाएगा, ये वी टू हो जाएगा जी. इन एच पैरामीटर, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज आर इंडिपेंडेंट. ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और ये इन दोनों पर डिपेंड करते हैं. तो दो दो आपकी जो क्वांटिटीज है वो इंडिपेंडेंट है और दो क्वांटिटीज आपकी डिपेंडेंट है. तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम डालें तो हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं. आई टू इज द फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू. आई टू इज द फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू, ओके. एंड वी वन इज इक्वल टू
द फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू, ओके, इन दोनों को मैं लीनियर इक्वेशन में लिखूंगा, मैथमेटिकल इक्वेशन में, वी वन इज इक्वल टू के वन आई वन के टू वी टू के थ्री आई वन के फोर वी टू, ठीक है। अब के जो है वो हम हाइब्रिड पैरामीटर से उसको चेंज कर सकते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने चेंज किया, वी वन इज इक्वल टू एच वन वन आई वन एच वन टू वी टू आई टू इज इक्वल टू एच टू वन, जो मैट्रिक्स हमारी बनती है सिंपल। तो इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स में लिखूं या मैट्रिक्स को इस इक्वेशन में लिखूं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का, ठीक है, वाइस वर्सा हम ये कर सकते हैं, ओके। अब ये इक्वेशन है, अब यहाँ पे क्या है, एच वन वन की वैल्यू आ सकती है, एच वन वन आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या होगा। अब कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले तो आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट कर दिया यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, वोल्टेज नहीं होती है, ओपन सर्किट में वोल्टेज होती है, तो वी टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो पहली बार इसको शॉर्ट कर दिया तो वी टू जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जीरो रह क्या गया, ये और ये, तो एच वन वन क्या आ गया, वी वन बाय आई वन, ओके, एच वन वन इज इक्वल टू वी वन बाय आई वन, इनपुट इम्पिडेंस बोल दिया इसको, ओके। अभी आपका 2 मिनट रहती है, ओके। अब क्या है, इधर आपने V20 किया क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया सेकेंडरी टर्मिनल को, V20 हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो H21 is equal to VI2 by I1, ये फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट गेन हो गया, ओके। अब आप जो इनपुट टर्मिनल है I1 को जीरो करना है, I1 को जीरो करने के लिए क्या करोगे, आप शॉर्ट सर्किट को ओपन सर्किट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ओपन सर्किट में करोगे तो I1 जीरो हो जाएगा, इसको ओपन कर दिया यहाँ पे, इसको ओपन कर दिया, ये जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, सिग्नल ही हटा दिया, तो इस टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज होगी, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहां से वो वैल्यू आ जाएगी आपकी आई वन जीरो, आई वन जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एच वन टू की वैल्यू आएगी वी वन बाई वी टू, एच टू टू की वैल्यू आएगी आई टू बाई वी टू, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, एडमिटेंस इम्पिडेंस का आपका उल्टा होता है, इसकी वैल्यू होती है सीमेंस, और ये करेंगे आज ही हम नेक्स्ट लेक्चर में सब, ठीक है, अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो स्टार्टिंग बैटरी में क्या दिया है सर ने अभी तक आपको, स्टडी मटेरियल में क्या दिया है सर ने आपको अभी अभी तक, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ने स्टडी मटेरियल में क्या प्रोवाइड कराया है आप लोगों को, सर नोट्स ही प्रोवाइड करते थे पीडीएफ फॉर्मेट में, ओके ओके, ठीक है, मैं भी आपको नोट्स ही प्रोवाइड करा दूंगा फिर, ओके okay?